Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 5, subject English class 8. So ये वर्कशीट आपको करनी है 22 अक्टूबर 2021, और आज की वर्कशीट के मैक्सिमम मार्क्स है 10. स्टूडेंट, असेसमेंट वर्कशीट आपको पता है कि ये आपकी पहले वीक की, प्रीवियस वीक्स की जो वर्कशीट होती है उनके ऊपर बेस्ड होती है. और ये असेसमेंट वर्कशीट है तो पहले आपको खुद करनी है ये वर्कशीट, फिर अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी है. तो ये देखिए, इसमें गाइडलाइंस दे रखी है स्टार्टिंग में. दिस असेसमेंट सीट इज़ बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स. जो प्रीवियस वीक्स की जो वर्कशीट है उसके ऊपर बेस्ड ये असेसमेंट वर्कशीट है. देर आर 10 क्वेश्चंस इन द असेसमेंट सीट एंड ईच कैरीज 1 मार्क. इस असेसमेंट वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन. नीचे पैसेज दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है. फिर MCQ दे रखे हैं, जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सर्कल करना है, डार्क करना है उस सर्कल को. तो ये देखिए, ये हमारा पैसेज है. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जब जो है विशाल जो वेव्स थी, सुनामी की वेव्स थी, जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया पर टकराई, तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, और जो घरेलू जानवर थे, पेट, उन्हें पता लग गया था कि क्या होने वाला है. खतरे का उन्हें फील हो गया था. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षा के लिए भागे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, जो वहाँ के साक्षी हैं, वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, उनके अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड, जो हाथी थे वो चिल्लाने लगे, दहाड़ने लगे. एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊँचे ग्राउंड की तरफ दौड़ने लगे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो पैट डॉग थे उन्होंने मना कर दिया घर से बाहर जाने के लिए. फ्लेमिंगोज अबैंडनड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. जो फ्लेमिंगो बर्ड था वो जहाँ पर वो रहते थे, ब्रीडिंग एरिया था, वहाँ से छोड़कर भाग गए. और जो जू के एनिमल्स थे वो अपने आश्रय स्थान की तरफ दौड़े और वापस जो है वो नहीं आना चाहते थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस सिक्स सेंस, कई लोगों का विचार है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है, उन्हें खतरे का पहले पता लग जाता है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता लग जाता है कि अर्थ कब जो है हिलने वाली है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द शार्प वाइब्रेशन. कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जो एनिमल्स की जो है वो बड़ी शार्प हियरिंग होती है, जिसकी वजह से वो सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं हमारी अर्थ की कंपन, उसकी वाइब्रेशन. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी मुसीबत आने वाली है इंसानों के कंपैरिजन में पहले. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, हमें पूरा विश्वास नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो तथ्य है वो क्या है, द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्री. लेकिन फैक्ट क्या है, जो बड़ी बड़ी वेव्स आई, सुनामी आई, उससे हिंद महासागर में 150,000 लोग जो है वो मारे गए, एक दर्जन देशों में, 12 कंट्रीज में. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवर नहीं मारे गए इतने. इसका मतलब जानवर को पहले पता लग गया, उनको जो है डिजास्टर का पता लग गया, इसलिए वो सेफ स्थान पर चले गए. इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है, वो खतरे का पहले आभास कर लेते हैं. तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, ये देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, ब्लैंक सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जो सुनामी की बड़ी बड़ी विशाल वेव्स जो है इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया पर टकराई, तो किनको पता लग गया था, आपको ब्लैंक में भरना है, उनको पता लग गया था कि क्या होने वाला था. तो किसको, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. बी है वाइल्ड एनिमल्स, जी नहीं, वाइल्ड को पता लग गया था, लेकिन वाइल्ड के साथ साथ डोमेस्टिक को भी, डोमेस्टिक एनिमल्स जी नहीं, ह्यूमंस जी नहीं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. हालांकि बी और सी करेक्ट है, लेकिन दोनों को पता लग गया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे, सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए, क्योंकि दे कैन रन फास्ट, जी नहीं, क्योंकि वो तेज दौड़ सकते हैं. दे आर इंटेलिजेंट, एनिमल्स इंटेलिजेंट होते हैं. दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन,
जो एनिमल्स होते हैं वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन और फील कर सकते हैं। आर फोर टेलर्स भविष्य बताने वाले होते हैं एनिमल्स, इसलिए जी नहीं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जानवर जो है अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वर द बिलीव्स बिहाइंड वेरी फ्यू एनिमल्स बीइंग विक्टिम्स ऑफ द सुनामी। इस पे क्या विश्वास है कि बहुत कम जानवर जो है सुनामी के विक्टिम्स हुए, मारे गए। दे पोसेस सिक्स सेंस, क्योंकि उनकी सिक्स सेंस होती है। दे हैव अक्यूट हीयरिंग होती है, ये माना गया तभी तो कम मरे। दे हैव अक्यूट हीयरिंग एबिलिटी, उनकी जो है सुनने की एबिलिटी बड़ी शार्प होती है। जी हाँ, ये भी ठीक है। सी देखिए, पीपल सेव देम, लोगों ने उन्हें बचाया। जी नहीं, सी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो देखो अब डी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों बातें थी। एक तो उनकी अक्यूट एबिलिटी होती है, शार्प एबिलिटी होती है सुनने की, और दूसरा उनके अंदर सिक्स सेंस होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी सही है, लेकिन दोनों जो है सही है, इसलिए डी में क्या लगता है, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एनिमल सेंस ऑफ हियरिंग एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग इच। एनिमल्स की सुनने की ताकत जो है, सेंस जो है, वो इंसानों की वजह क्या होती है, उनकी वजह बेटर होती है। तो ए ऑप्शन में बेटर है जो कि सही आंसर है, एनिमल्स की ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन करें ह्यूमन बींग से। बी वर्ष बुरी होती है, जी नहीं। सेम होती है, जी नहीं। नगली जेल पर नाक के बराबर होती है, जी नहीं। तो इसका आंसर है ए, बेटर होती है एनिमल्स की सेंस ऑफ हियरिंग ह्यूमन बींग्स के बजाय। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वर्ड अक्यूट इन द पैसेज मीन्स। अक्यूट का क्या मतलब है, जो पैसेज में यूज हुआ है, अक्यूट किस सेंस में हुआ है, शार्प के सेंस में हुआ है ना, कि एनिमल्स की अक्यूट सेंस होती है हियरिंग। तो अक्यूट का मतलब शार्प के रूप में। ऑप्शन देखते हैं, ए गुड, जी नहीं। बी स्मॉल, जी नहीं। सी बिल्कुल सही है, शार्प सेंस होती है एनिमल्स की। डी बैड, जी नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, शार्प। अब नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन बी, जो कि आपके ग्रामर सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट। आपको करेक्ट आंसर चुनना है और फिर सर्कल को डार्क करना है। तो फर्स्ट आपका देखो मॉडल्स के ऊपर है, ब्लैंक यू प्लीज लैंड मी दिस मैगजीन। अब आपको पता है प्लाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज आ गया है इसमें। प्लाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए ही ऑप्शन में कुड है। कुड यू प्लीज लैंड मी दिस मैगजीन, क्या तुम मुझे ये मैगजीन उधार दोगे। तो प्लाइट रिक्वेस्ट में हम कुड ही मॉडल यूज करते हैं, मे जी नहीं, सी सुड भी नहीं, और डी माइट भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वन ब्लैंक यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जब रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये एडवाइस है। एडवाइस के लिए आपको कौन सा मॉडल बताया गया है स्टूडेंट, सुड बताया गया है, जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे यू सुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यू सुड कम टू स्कूल ओन टाइम। तो जो हमारी एडवाइस देते हैं वो सुड में देते हैं। तो फर्स्ट ए कुड है, गलत है। बी कैन भी गलत है। सी बिल्कुल सही है, सुड। और डी मे भी गलत है, मे। अब थर्ड देखिए, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। आई ब्लैंक लीव नाउ, तो अब मुझे जाना चाहिए। तो जरूरी है ना, लेट हो रहा है, अब उसे जाना जरूरी चाहिए। तो जरूरी की सेंस में हम कौन सा यूज मॉडल करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट करते हैं। तो ए मे, जी नहीं। बी बिल्कुल सही है, मस्ट, अब मुझे जाना चाहिए, तो इसमें आएगा मस्ट। सी माइट, जी नहीं। डी कुड, जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आई ब्लैंक की फिल्म यस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी। अब मैंने बताया था पास्ट टाइम को डिनोट करने वाली आपको वर्ड मिले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ये देखिए, ए में सी है जो कि फर्स्ट फॉर्म में, जी इनकरेक्ट। बी में लुकड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई लुकड ए फिल्म। अब लुक तो नॉर्मल देखते हैं, अब मूवी को देखने के लिए हम एक बार नहीं, वो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए, तो लुकड इसमें नहीं आएगा। सी वॉच नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म में। डी बिल्कुल सही है, सा, मैंने देखी, आई सो ए फिल्म यस्टरडे। लुक जो है वो सरसरी तौर पर देखना होता है, तो मूवी को हम या तो सी करते हैं या वॉच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंडित नेहरू ब्लैंक इन 1964। अब पास्ट टाइम, पास्ट की जो इंसिडेंट है उसको डिपिक्ट करने के लिए हम पास्ट टेंस से यूज़ करेंगे। तो पंडित नेहरू 1964 में मर गए थे, तो इसमें है डाइट, वो भी बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू डाइट इन 1964, डाई नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में आता है, बोर्न भी नहीं आएगा और बर्थ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आएगा डाइड इन 1964, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा।
तो स्टूडेंट, ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपके फुल मार्क्स आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।